हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, बड़ी दुख की बात है, आज हो गया 16 तारीख और अभी तक भैया का कोई खबर नहीं लगा है। और यूट्यूब पर ऐसे कुछ लोग हैं जो गलत वीडियो बना रहे हैं, उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप गलत वीडियो ना बनाएं। कि अगर किसी को भलाई नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आप किसी को बुराई भी मत कीजिए। और क्या ही बताएं दोस्तों, इतने गंदे गंदे वीडियो बना रहे हैं, इतने गलत गंदे गंदे थंबनेल यूज कर रहे हैं, तो उससे इतना ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। देख रहे हैं भाभी कितनी टूट चुकी है पूरी, इतना रो रो कर अपना हाल, इतना बुरा हाल कर ली है, इतना बुरा हाल हो गया उनको, उनके बच्चे लोग बहुत रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए। क्या पा रहे हैं आप लोग 2-4 व्यू के लिए किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके? प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर किसी के साथ भलाई नहीं कर सकते ना, किसी को भलाई नहीं कर सकते, तो प्लीज़ बुराई भी मत कीजिए उसको। हाँ, और आपको वीडियो बनाना है तो अच्छे वीडियो बनाइए ताकि उनको सपोर्ट मिल सके और भैया को खोजने में मदद मिल सके। ऐसा वीडियो मत बनाइए कि उसको और दिल का ठेस पहुंचे, ऐसे तो पूरी दिल टूट चुकी है और उनको मत दिल का ठेस पहुंचाइए। और बच्चे लोग बहुत रो रहे हैं, बच्चे लोग वीडियो देख रहे हैं तो बच्चे लोग बहुत रो रहे हैं, बार बार मम्मी से पूछ रहे हैं कि पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए। आप लोग कैसा इंसान है समझ नहीं पा रहे हैं? आप लोग के ऊपर कभी ऐसा मुसीबत आएगा ना, तो फिर आप लोग को समझ में आएगा क्या होता है दुख। किसी के दुख को देकर मजाक उड़ा रहे हो ना, जब खुद पर पड़ेगा तब पता चलेगा तुम लोग को। तो सुधर जाओ बाबू लोग, सुधर जाओ तुम लोग। इतने लोग बोल रहे हैं गलत वीडियो मत बनाओ, गलत वीडियो मत बनाओ, क्यों नहीं बन, क्यों नहीं तुम लोग सुन रहे हो बताओ? 2-4 व्यू के लिए तुम लोग इतने गंदे गंदे वीडियो बना रहे हो, बताओ इससे क्या होगा? अगर किसी की ज़िंदगी बचा नहीं सकते हो, तब किसी की ज़िंदगी को तबाह करने का भी कोई हक नहीं है आप लोग को। और ऐसा मत कीजिए किसी के साथ। तो दोस्तों, मैं आप लोग से इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कहीं भी भैया को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग, भाई भाभी का नंबर है उस पर आप लोग ज़रूर बता दीजिए फ़ोन कर, और कोशिश कीजिए कि भैया मिल जाए, कहीं भी, कहीं भी हो वो सुरक्षित हो, अच्छे से हो। और मुझे तो दोस्तों कुछ डाउट लग रहा है कि उनके पीछे कोई दुश्मन उश्मन ना पड़ गया हो या कुछ, ऐसा तो लग रहा है दोस्तों, पर क्या पता नहीं क्या हुआ है उनके साथ, ऐसे क्यों हुआ है। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आप लोग कहीं भी देख रहे हैं भैया को तो प्लीज़ भाभी को बताने की कोशिश कीजिए, भाभी को बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनका बहुत रो रो कर बहुत, बाबू चुप, रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया है दोस्तों। मैं उनका वीडियो देख रही हूँ तो आँख में आंसू आ जा रहा है, क्या ही बताऊँ। तो प्लीज़ आप लोग मदद कीजिए भाभी को, भाभी को आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही है कि आप गलत वीडियो नहीं बनाने के लिए, भाभी, भाभी भी रिक्वेस्ट कर रही है क्योंकि उनकी बहुत टूट चुकी है, उनका हालत आप लोग देख सकते हैं जाकर कैसा हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, किसी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर बनाना है तो अच्छा वीडियो बनाइए, उनको मदद मिल सके। और क्या बोल सकते हैं दोस्तों आप लोग को, प्लीज़ 2-4 व्यू के लिए आप लोग इतने नीचे मत गिर जाइए, जो रियल है वो दिखाइए। आज इतने दिन, आज 16 तारीख हो गया, आप भैया अभी तक घर नहीं लौटे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ही, ये सुनने बहुत ही, मतलब क्या बताएं दोस्तों आप लोग को, दुख की बात है और सोचने वाली बात है कि क्या हुआ भैया के साथ, किस हाल में वो होंगे, कैसे होंगे, नहीं होंगे। भाभी बहुत रो रही है कि जो दिन भर में बार बार चाय मांगते थे, वो दिन भर में बार बार चाय मांगते थे, वो फिर ऐसे कैसे छोड़कर चले जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग मदद कीजिए, मदद नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आप लोग बुराई भी मत कीजिए किसी के बारे में। बहुत आप लोग जाकर देख लीजिए भाभी को कैसे हो गई हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी और वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोग सुधर जाओ, प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ती हूँ, सुधर जाओ। किसी को ऐसे करके अच्छा नहीं लगता है, भलाई करो, भगवान तुम्हारे साथ भी अच्छे करेंगे। और यदि तुम आज करते हो ना उनके साथ ऐसे, तो ये भी बात याद रखना
कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो आज तुम मजा ले रहे हो ना, तो कल तुम्हारे साथ भी मजा लेने वाला बहुत लोग है। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए किसी के साथ। और मैं इतना ही कहूँगी और वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कैसे क्या होता है। और मैं माता रानी से दुआ करूँगी, भगवान से दुआ करूँगी, भैया कहीं भी हो सुरक्षित हो और सही सलामत घर आ जाए। और भाभी मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर किसी का भी मतलब वीडियो देख रहे हैं तो आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप कमज़ोर बिल्कुल मत बनिए और अपने आप को पर अपने आप में हिम्मत लाइए और अपने आप पर भरोसा रखिए, भाभी भैया को कुछ नहीं होगा। और जहाँ भी होंगे भैया माता रानी का दुआ से सुरक्षित होंगे, सही होंगे। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि भैया जल्द घर आ जाए। और क्या ही बोले, बहुत ही दुख लग रहा है कि इतना दिन हो गया नहीं अभी तक आए हैं, बहुत टेंशन लग रहा है। अब तो टेंशन किसी को भी हो जाएगा क्योंकि एक रात दो रात हो गया, आज 16 तारीख हो गया है इसी कारण। तो भाभी आप भी हिम्मत मत हारिए और बच्चे लोग को भी ध्यान दीजिए। अब फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।